तो फाइनली हम लोगों को टिकट मिल चुका है ट्रेन का, और कोई ट्रेन नहीं था 6 बजे से पहले, क्योंकि हम लोगों को इसलिए। वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग एंड अनदर वीडियो। तो आज का जो ब्लॉग है लगभग हम लोगों का 5 से 6 दिन का बाद आ रहा है, और आज का जो ब्लॉग है थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि आज हम लोग सिटी से बाहर जाते हुए ब्लॉग करेंगे। तो हम लोग वेस्ट बंगाल का आज प्रोग्राम बना है, और सबसे स्पेशल बात यह कि हम लोगों का जो घर था वो पूरा तैयार हो चुका है, उसमें शिफ्टिंग का बारी है, और उसी के चक्कर में मौसी आ रही है हम लोगों के साथ, और उनको लाने के लिए जाना है हमको। तो हम लोग निकलेंगे 2 बजे का ट्रेन हम लोगों का, तो चलते हैं। अभी हो रहा 12:30, तो चलते हैं, जल्दी से रेडी होकर आते हैं, तब तक के लिए चलते हैं। मिट्ठू जी है तोता अपना, टोटोन इधर, टोटोन आ बाबा, आ आ आ। 15 minutes later. So finally अभी रेडी हो चुके हैं, और अभी जस्ट निकलेंगे स्टेशन की तरफ। यहाँ से बाइक से चलेंगे, और वहीं पे बाइक रख देंगे, उसके बाद ट्रेन से चलेंगे। तो रेडी हो चुका, धूप भी बहुत ज़्यादा दे रहा है, तो चलिए फिर हम लोग निकलते हैं तुरंत अभी फ़ौरन, और जाके स्टेशन में डायरेक्ट मिलते हैं, क्योंकि रास्ता का ब्लॉग शूट नहीं करेंगे, हेलमेट लेके नहीं जा रहे हैं इसलिए। तो चलिए फिर। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके स्टेशन, और स्टेशन किस पार है, उसके बाद उधर टिकट काउंटर है, और पार्किंग वाली गाड़ी हम लगा दिए हैं, तो जाएंगे टिकट काटेंगे, उसके बाद डायरेक्ट ट्रेन पर चढ़ के हम लोग ब्लॉक को फिर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लेट हो गया, टाइम नहीं है। टाटा नगर में गाड़ी घुस चुका है, तो चलिए हम जल्दी चलते हैं, और अपना गाड़ी को यहाँ पार्किंग में लगा दिए हैं, दिखा देते एक बार। होंडा साइन यहीं पर है, लगा दी उसको पार्किंग में, और ये पूरा आपका पार्किंग एरिया है, और वहाँ पर आपका टिकट काउंटर है। हम लोग पहले वाला गेट में आए, उधर भी काउंटर है, वो बहुत बड़ा है, बट हम लोग इधर से आए हैं कि लगाने में सुविधा हो। तो चलिए हम चलते हैं, जल्दी से पहले टिकट काट लेते हैं, उसके बाद हम ट्रेन में जाके बात करते हैं। सो अभी गाइस फ्रंट साइड हम आए हैं टिकट करने के लिए, क्योंकि देखिए गाड़ी लेट है, और बहुत थका दिया रही लोगों ने, इधर से पता ही नहीं है किसी को कोई इन्फॉर्मेशन। तो अभी आए टिकट करके, जाएंगे हम चानोमा प्लेटफॉर्म में, वहाँ पर गाड़ी आएगी। तो चलिए चलते हैं, टिकट करते हैं पहले। 5 minutes later. तो फाइनली हम लोग को टिकट मिल चुका है ट्रेन का, और कोई ट्रेन नहीं था 6 बजे से पहले, क्योंकि हम लोग को इसलिए लोकल में जाना पड़ रहा है, तो क्यों यही ट्रेन है, और जाकर रिटर्न स्टिल लाना भी है। तो हम लोग चानोमा प्लेटफॉर्म चलते हैं, क्योंकि आदित्यपुर क्रॉस कर चुका है बिना लेट किए। तो ये अपना थोड़ा नगर स्टेशन है, जो रिपेयर हो रहा है। सो गाइस अभी ट्रेन चल रही है, और मैंने बैठ भी गया, सीट भी मिल गया, बट अभी थोड़ा गेट में खड़े हैं, और शायद आवाज़ उसमें थोड़ा सा कम आए, क्योंकि थोड़ा लाउड ज़्यादा कर रहा है, मतलब हल्ला ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से। तो हम लोग डायरेक्ट जाके वहीं शूट करेंगे ब्लॉग अपना झाड़ग्राम में उतार के, और वहाँ से डायरेक्ट ट्रेन पकड़ेंगे रिटर्न आने का स्टील। तो दिखाते हैं हम लोग को बाहर का, बाहर बारिश भी हो रहा है बहुत तेज़, और प्लस फोन में भी बारिश आ रहा है, तो दिखाते हैं। ज़्यादा बारिश हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ दो दो इंजन खड़ा है, खड़ा रुका। ये अपना रेलवे स्टेशन है जमशेदपुर का। कहीं से हम लोग पहुँचने वाले हैं, और जस्ट यहाँ से 10 से 15 मिनट का रास्ता है, तो हम लोग पहुँच जाएंगे, तो फिर उतरेंगे, और फिर ब्लॉक शूट करेंगे, घर जाएंगे, ब्लॉक में विन करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ, इतना देर तक स्टेशन में वेट करना पड़ा कि क्या बताए। तो जस्ट यहाँ से 2 स्टेशन बाद है मेरे ख्याल से, तो फिर चलते हैं फिर। तो फाइनली अपना स्टॉपेज आने वाला है, और ये लास्ट स्टॉपेज है, मतलब उसके बाद मेरा स्टॉपेज है, तो शायद पहुँचने ही वाले जस्ट 5 मिनट में। तो फिर बाकी का ब्लॉक हम नीचे जाकर शूट करेंगे, तब तक के लिए। अभी लाउड तो स्पीकर बहुत ज़्यादा आ रही थी, आवाज़ नहीं आ रहा ट्रेन का, बट पहुँचने वाले हैं। वापसी होगा 7:30।
गाइस बहुत देर के बाद हम लोग पहुँच गए हैं झाड़ग्राम, और वो उसी ट्रेन से हम लोग आए थे। अब जाना थोड़ा सा पहले फ्रेश होना, मुँह हाथ धोना है, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग निकलेंगे मौसी घर की तरफ। ये ट्रेन देख लीजिए, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया यार, रात हो गया प्लस, और हम लोग ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग चलेंगे घर, क्योंकि रात होगा तब शूट भी नहीं कर सकते, इसलिए ब्लॉग यहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड मेरा डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग आते रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच।